नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर सपूत क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931 में देश की खातिर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। तो आज वीडियो में उन सब की कहानी, आखिर क्यों फांसी दी गई और एक दिन पहले ही फांसी पर क्यों लटका दिया गया इन महान वीरों को। ये कहानी शुरू होती है साल 1928 में। इंडिया में अंग्रेजी हुकूमत थी। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय की अगुवाई में इंडियंस ने, जो भारतीय थे, अपने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों पर खूब लाठियां चलाई गई। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। 18 दिन बाद लाजपत राय ने दुनिया में अपनी आखिरी सांस ली। लाला लाजपत राय की मौत से क्रांतिकारियों में काफी गुस्सा था। तय हुआ कि बदला लिया जाएगा। उसकी अगुवाई भगत सिंह कर रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्टॉक को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे। 17 दिसंबर 1928 का दिन भी तय हो गया स्कॉट की हत्या के लिए। लेकिन गलती से क्या हुआ, स्कॉट के बजाय असिस्टेंट पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए। सांडर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, तभी भगत सिंह, राजगुरु ने उन पर गोली चला दी। सांडर्स की हत्या के बाद दोनों लाहौर से निकल गए। अंग्रेजी हुकूमत सांडर्स की सरेआम हत्या से बौखला गई थी। एक ये सबसे बड़ा कारण था उन दोनों को सजा मिलने की। लेकिन उसके बाद फिर एक और घटना घटी। अंग्रेज जो सरकार थी, एक बिल ला रही थी, दो बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कहा जाता है कि ये दोनों कानून भारतीयों के लिए बहुत खतरनाक थे, सरकार इन्हें पास करना चाहती थी। इससे क्या होता, जो क्रांतिकारी थे उनकी दमन की तैयारी सरकार ने कर ली थी। सरकार मतलब अंग्रेजी हुकूमत। तो ये अप्रैल 1929 का वक्त था। तय हुआ कि असेंबली में बम फेंका जाएगा, जिस असेंबली में ये पास कराया जा रहा था। लेकिन ये भी तय हुआ कि किसी के जान नहीं लेना है, बस एक धमाका करना है ताकि आवाज दूर तक पहुंचे, हर कोई उसे सुने। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इस काम के लिए चुने गए। तो 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली की असेंबली में बिल पर बहस चल रही थी, तभी असेंबली की उस हिस्से में जहां कोई नहीं बैठा था, वहां पे दोनों ने बम फेंक कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। फिर भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो उनको फांसी की सजा हुई थी वो बम ब्लास्ट की वजह से नहीं, बल्कि जो सॉन्डर्स की हत्या की थी उन्होंने, उसके लिए हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली में बम फेंकने का केस तो चला, लेकिन ब्रिटिश सरकार भगत सिंह के पीछे पड़ गई थी। सुखदेव और राजगुरु भी जेल में थे। सॉन्डर्स की हत्या का दोषी तीनों को माना गया, जिसे लाहौर खड़यंत्र केस माना गया। तीनों पर सॉन्डर्स को मारने के अलावा देशद्रोह का भी केस चला, दोषी भी माना गया। जो बटुकेश्वर दत्त थे, असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह के साथ, उनको उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन इन तीनों को फांसी की सजा हो गई। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया जाएगा, और दिन तय हुआ 24 मार्च 1931। फांसी की सजा तो 24 मार्च को तय हुई, लेकिन इस दिन को अंग्रेजों के उस डर के रूप में भी याद किया जाता है जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। तीनों वीरों की फांसी की सजा पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी, जिसके बाद फांसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन और विरोध जारी था, उससे अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी, जिसका नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। लेकिन भगत सिंह चाहते थे कि उनको फांसी दे दी जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक युवा इतने कम उम्र में जब फांसी पर लटकेगा, वो भी खुशी खुशी इस देश के लिए, तो देश के अन्य युवाओं में एक जोश पैदा होगा, एक जागरूकता आएगी और एक गुस्सा होगा। इस वजह से भगत सिंह भी ये चाहते थे कि उनको फांसी हो, इसीलिए वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ भी गए थे। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर बताते हैं कि भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा था कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। उस वक्त तो लेनिन के बुक पढ़ रहे थे। फिर एक मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो,
फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती में गा रहे थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, और हंसते हंसते ऐसे ही तीनों फांसी के फंदे पर झूल गए। तो ये थी इन तीनों महान वीरों की गाथा। कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।